आपका स्वागत है फिर से नॉलेज और अवेयरनेस की एक और नई वीडियो के साथ। ऐसा क्या है, चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं आगे। जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं ये ऑस्ट्रेलिया के तमाम न्यूज चैनल्स पे है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस खबर को सुनने के बाद एक बार विचलित जरूर हो जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि दुनिया का फ्यूचर क्या है। हमारा भारत यानी कि इंडिया जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। आप हमें सिर्फ एक साल दीजिए, उसके बाद नंबर वन पोजीशन तो हम चाइना से भी छीन लेंगे। इस टॉपिक पे तो हम वीडियो फिर कभी बनाएंगे कि हम और चाइना से क्या क्या छीनने वाले हैं, लेकिन अभी वापस आते हैं घूम के ऑस्ट्रेलिया पे। तो इंडिया में तो आपने ऐसे किस्से बहुत होते रहते हैं, बहुत हम सुनने को देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बन जाती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन इमीडिएटली लेने पड़ते हैं। तो भैया हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी आयरन और माइनिंग कंपनी अपने माइनिंग साइट से एक छोटा सा गैजेट उठा के पर्थ को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी नई बात है। तो हेलो, अपनी नर्व्स को होल्ड करके रखिए। तो हुआ क्या कि एक हफ्ते के बाद पर्थ में जब उस गैजेट के बॉक्स को खोला गया तो उसमें से एक छोटी सी चीज गायब हो चुकी थी। और उस छोटी सी चीज का साइज क्या था, हमारे देश में 5 रुपए के सिक्के के बराबर की वो चीज थी। चीजें खोना ट्रांसपोर्ट के दौरान तो बहुत आम सी बात है, और ऊपर से उसका साइज भी इतना छोटा कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को उसी वक्त, कंपनी को उसी वक्त ये एडवाइजरी रिलीज करनी पड़ी कि उस चीज के नजदीक 5 मीटर के रेडियस में कोई ना जाए। कोई ह्यूमन लाइफ या कोई किसी भी तरह की लाइफ अगर आती है तो उसको बहुत ज्यादा खतरा है, उसको जान का खतरा है, उसकी डेथ भी हो सकती है। और जब ये खबर पहली बार मैंने पढ़ी थी तो मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था कि क्या वो कोई ऐसा गैजेट है, क्या वो कोई वेपन है, क्या वो कोई बंदूक है, कोई नाइफ है, चाकू है, डंडा है, स्टिक है, क्या है। तह तक जाने की कोशिश की तो पता लगा कि ये एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल है जो माइनिंग कंपनी अपनी आयरन ओर की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए एक मशीन में उसको यूज करती है। और कंपनी का कहना है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो मशीन में से वो कैप्सूल निकल के कहीं रोड पे गिर गया है। और ये कैप्सूल इतना छोटा होने के बावजूद आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि एक इंसान को 100 एक्सरेज कर दिए जाएं 1 घंटे में, उतनी इसकी रेडिएशन थी, और अगले 100 साल तक ये रेडिएशन इसी इंटेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट में रहती। तो इसका मतलब अगर ये कैप्सूल कभी नहीं मिलता है तो उस कैप्सूल जहां पे पड़ा हुआ है, जाने अनजाने में अगर कोई उसके पास जाता है तो उसको एकदम से इतना रेडिएशन लगेगा कि उसको 5 मिनट के अंदर वो कैंसर हो जाएगा। क्योंकि ये कैप्सूल इतना खतरनाक है, कंपनी ने इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया और अपने 15-20 कार्स की एक कन्वॉय को स्टार्टिंग से एंड तक, जो 1400 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें वो डिवाइस स्कैनिंग और कॉम्बिंग पर लगा दिया। ये ऐसे ही है मानो फाइंडिंग ए नीडल इन द हेस्टैक। और अभी अभी अच्छी खबर ये आ रही है कि वो कैप्सूल को 6 दिन की सर्च के बाद सेफली रिकवर कर लिया है। आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड होंगे, जैसे कि मुझे तो ये कहानी बॉलीवुड की एक फिल्म कोई मिल गया की तरह लग रही है। होता कुछ और है और बताया पब्लिक को कुछ और बताया जाता है। कि अगर हम एक छोटा सा कोई कोरियर भी मंगाते हैं तो उस कोरियर को भी कम से कम 5-6 पैकिंग्स में रैप किया जाता है कि जिससे वो ट्रांजिट के दौरान कहीं टूट ना जाए, कुछ गिर ना जाए। सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होना मुझे हजम नहीं हो रहा है। ये मुझे तो बिल्कुल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली स्टोरी लग रही है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। अभी के लिए तो मैं चैन की सांस ले सकता हूं कि वो प्रोडक्ट मिल गया है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मेरे आसपास है जिनका मुझे पता ही नहीं है कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और वो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट करेंगी। आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा एज ए रेस्पॉन्सिबल नॉर्मल सिटीजन, और मैं क्या क्या हेल्प अपने साथियों की, अपने पड़ोसियों की, अपने फेलो सिटीजन की कर सकता हूँ। थैंक यू।